नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राउशन तो फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि SSC GD का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में तो कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि सर एक डाउट और है कि रिजल्ट को लेकर, तो इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही आपको हर राज्य का कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यदि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी SSC GD की तैयारी करता है वो सब की सब ज़्यादातर जो सब्जेक्ट चॉइस करता है वो इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी चूज़ करता है, क्योंकि हिंदी को पढ़ना थोड़ा हमारे लिए आसान रहता है। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक रह सकती है, तो उसको पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम में अच्छी सफलता मिले हिंदी में स्कोर करने में। आइए पहले उसको बात करने वाले हैं, चक्षु पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर हम हिंदी के लिए ऐसी कौन सी बुक लें जिससे हमारा काम बन जाए SSC GD में, जो हमारा टारगेट है, क्योंकि हमने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है वो हमारा अच्छे से हो जाए। तो आज आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, बहुत ही शानदार बुक है और नए पैटर्न पर है। जैसा कि आपको पता रहता है कि स्टार्टिंग में हर बुक में विषय सूची दी रहती है, वो इसमें भी दी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी एक चैप्टर की बात करूँ, जैसे ये एक चैप्टर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हिंदी भाषा से रिलेटेड, तो हिंदी भाषा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट को बिना टीचर के माध्यम से भी आप अच्छे से घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है यदि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, जल्दी जाके वापस बात करने वाले हैं कि SSC GD की 2024 की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, आपकी कट ऑफ जो होती है वो तीन स्टेप में फॉलो होती है। पहले जो कट ऑफ लगती है वो फिजिकली कट ऑफ लगती है, दूसरी जो कट ऑफ लगती है वो DME की कट ऑफ लगती है। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और जो लास्ट कट ऑफ होती है वो आपकी फाइनल कट ऑफ होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मेरे बच्चों, यहाँ पर जो पहले आपकी वैकेंसी थी वो कितनी वैकेंसी थी आप सभी को पता होगा कि पहले जो आपकी वैकेंसी थी 26,146 पद थे, जिसके 8 गुना लिए जाने थे, यानी कि 209,000 प्लस कुछ बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता। ठीक है, लेकिन अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो नया अपडेट आया है SSC की तरफ से, उसमें जो आपके पद हैं वो 46,617 पद हो चुके हैं, और इनका अगर आप 8 गुना कर दोगे तो करीब करीब 372,936 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये संख्या बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे बच्चों को चांस भी मिलेगा। दूसरी चीज़, वैकेंसी इंक्रीज होने के कारण आप लोगों की कट ऑफ कम से कम रहने की संभावना रहेगी, लेकिन जो राज्य जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रखती है वहाँ पर कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो पूरा डिस्कशन हम करेंगे हैं अलग अलग राज्यों की क्या कट ऑफ रहेगी। जैसे कि मैं आपको पिछली बार की कट ऑफ के बारे में बताऊं, जैसे कि अंडमान निकोबार की हम बात करें, तो पिछली बार आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपका 85 से 90 के बीच में कट ऑफ गया हुआ था अंडमान निकोबार से। इस बार क्या कट ऑफ रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आपकी जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जनरल वालों का जो कट ऑफ रहेगा वो 80 से 90 के बीच में रहेगा, अदर कैटेगरी का जो रहेगा वो आपका 70 प्लस रहेगा अंडमान निकोबार से। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो पिछली बार को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको देखने को मिल ही रहा है CI सब का कट ऑफ, CRPF का कट ऑफ, सभी का कट ऑफ 90 के आसपास देखने को मिल रहा है। इस बार कितना रहेगा आंध्र प्रदेश से तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जनरल वालों की अगर हम बात करें तो जनरल वालों का रहेगा 80 से 90 के बीच में, और बाकी जो कैटेगरी आ गई जैसे कि आपका SC ST हो गया, OBC हो गया, OBC की बात करेंगे तो 70 प्लस रहेगा, SC ST की बात करेंगे तो 65 से लेकर 70 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की क्या बात करें तो 70 प्लस अगर किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं तो उसको फिजिकली तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसका फाइनल में भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम की। असम की मेरे बच्चों हम बात करेंगे तो असम का पिछली बार का जो कट ऑफ आप देखेंगे कई कुछ फोर्सेज के लिए 91 रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए जनरल के लिए तो 80 से 90 के बीच में रहेगा जनरल वालों का। ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी ये मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग फोर्सेज की कट ऑफ अलग अलग रहती है। जैसे बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो वहाँ से इसका लेवल कम रहेगा, 70 प्लस के आसपास रहेगा। ठीक है ना, और अगर हम जनरल एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर 80 प्लस आसपास रहेगा, और बाकी अगर कैटेगरी की बात करें तो उनका जो रहेगा 70 से 80 के बीच में, और कुछ कैटेगरी जैसे OBC की बात कर OBC का 70 के आसपास, OBC और जनरल का एक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा सा चेंज कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर SC ST की बात करें तो उनके अगर 65 प्लस मार्क्स है तो उनको फिजिकली तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए असम से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की, तो यहाँ पर जो आपका जनरल वालों की अगर हम बात करें तो अगर उनके 125 से 130 के बीच में मार्क्स बनना है डेफिनेटली उनको फिजिकली तैयारी करनी चाहिए।
चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ से कट ऑफ ज़्यादा जाती 130 प्लस ही होंगे तो ही उनका काम हो पाएगा। छत्तीसगढ़ से हम बात करें, अगर आपके 110 प्लस मार्क्स बनना है जनरल वालों के तो उनको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए, बाकी अदर कैटेगरी 100 प्लस बनना है तो उनको भी फिजिकली तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिल्ली की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 130 प्लस ही कट ऑफ गया था पिछली बार, तो इस बार भी पॉसिबल पूरी संभावना है कि यहाँ से कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो इस बार भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा की। अगर मैं बच्चों हरियाणा की बात करूँगा तो हरियाणा का जो कट ऑफ रहता है वो पिछली बार देख सकते हैं कितना तगड़ा कट ऑफ गया था, तो आप इस बार कैसे उम्मीद लगा सकते कम जाएगा, 130 प्लस आप मान के चलिए। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते तो हिमाचल प्रदेश का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 100 प्लस रहेगा जनरल वालों का, बाकी सब कैटेगरी का 90 प्लस के आसपास रहने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, 80 प्लस मार्क्स बन रहा है जनरल वालों को, डेफिनेटली उनको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए। आई एम सॉरी, झारखंड की हम बात करेंगे, झारखंड से अगर जनरल वाला है तो 115 प्लस है उसको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए, और दूसरी पोस्ट का कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो 125 के आसपास रह सकता है, जो जिनकी पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है। और अदर कैटेगरी वाले हैं 110 से लेकर 115 के बीच में, उनको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। केरला की बात करें, 65 से लेकर 70 के बीच में आप फिजिकल तैयारी करिए। मध्य प्रदेश की बात करें, 125 से प्लस होना चाहिए, ठीक है, जो बॉर्डर एरिया से आते हैं, बिलोंग करते हैं नक्सल एरिया वगैरह, जनरल एरिया वाले को 130 प्लस ही चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी का आप देखें, ओबीसी को छोड़ दिया जाए तो एससी एसटी वाला कम से कम उसके 120 प्लस 115 होने ही चाहिए। महाराष्ट्र की हम बात करें तो 100 प्लस हैं आपका काम हो जाएगा, अदर कैटेगरी का 90 प्लस है काम हो जाएगा। मेघालय की बात करें तो आप देखेंगे आपके 65 प्लस हैं, आप फिजिकली तैयारी करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिज़ोरम की, यहाँ से 65 प्लस हैं फिजिकली तैयारी करिए। नागालैंड की बात करते हैं, 80 प्लस हैं फिजिकली तैयारी करिए, ठीक है। पांडिचेरी की बात करें, 70 प्लस हैं फिजिकली तैयारी करिए, ठीक है। पंजाब की बात करें तो पंजाब से अगर जनरल वाले की बात करें तो 90 प्लस हैं फिजिकली तैयारी करिए, अदर कैटेगरी है जनरल एरिया है तो कम से कम 100 प्लस होने चाहिए, और बॉर्डर मॉडर एरिया है आपका तो 90 प्लस 80 प्लस भी चलेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए राजस्थान की बात करें, जहाँ तक तो सोचना ही नहीं है आपको, 130 प्लस अगर मार्क्स है तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सिक्किम की बात करें, 60 प्लस नंबर है काम हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, अगेन 60 प्लस नंबर है काम हो जाएगा यहाँ से। तेलंगाना की बात करें, 70 प्लस नंबर है काम हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें हम तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पिछली बार का कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ से 70 प्लस आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें उत्तर प्रदेश की, 130 से प्लस ही होना चाहिए, उससे नीचे में तो सोचना ही मत, ठीक है, जनरल वाला। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ से भी अगेन आपको 125 प्लस आपको मार्क्स चाहिए चाहिए। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के लिए अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 100 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, अदर कैटेगरी होगी तो उसके 90 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक। तो आज की इस वीडियो में सभी राज्यों की मैंने आपको कट ऑफ बनाई है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप प्रेस करके इसका ले लीजिए। हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप चिंता मत करिए, इस महीने के इसी वीक में आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, आजकल में आपका रिजल्ट आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।